मोहित बीकानेर से। अगला मुकाबला बबलू जालौर व्हाइट और अतुल गंगानगर ब्लू। बबलू जालौर अतुल गंगानगर तैयार है। अशोक चुरू हरि सिंह बूंदी हाँ साहब रख के टचिंग टू ट्राउजर हाँ सर पूरे सीधो सेकंड सीधो बाइट बबलू जालौर और अतुल गंगानगर का मुकाबला तैयार है। अशोक चुरू हरदीप हरि सिंह बूंदी हेलो जिसको भी भोजन करना है वो आ जाए भोजन अंतिम चरण में हाँ साहब अतुल गंगानगर अशोक चुरू वाइट हरि सिंह बूंदी पिंटू राजसमंद बाइट मानस उदयपुर ब्लू मानस बाइट ब्लू ये पड़ोसी जिला राजसमंद और उदयपुर का मुकाबला जिनको नवा देंगे गंगानगर के निर्णायक हाँ साहब ये हाँ हाथ खड़ा करें अपना पिंटू राजसमंद मानस उदयपुर Thank you.
मानस उदयपुर अजय सूर्य प्रताप अलवर व्हाइट आदित्य कोटा ब्लू पंकज जी मेहता की तरफ से 500 रुपए का मानस को नगद पुरस्कार स्वयं पंकज जी आ जाए और आप अपने कर कमलों से इस मानस को आप अपने कर कमलों से बीच में दे जाइए जाइए ले 500 रुपए भी ले जाइए आप हाँ ये 500 रुपए का नगद पुरस्कार खुश रहे बेटा आदित्य कोटा जिन्होंने भोजन प्राप्त नहीं किया है तो फिर भी मिल सकता है आप बजाने तुरंत दौड़ के तो सायकालीन भोजन उन्हीं को मिलेगा जो यह कार्यालय में से प्राप्त करेंगे कूपन अपनी संख्या बताएंगे और वहां से आप कूपन प्राप्त करेंगे तो शाम को आपको यह भोजन प्राप्त होगा जो बाहर घूमना जाएंगे जो कूपन नहीं लेंगे फिर उनको भोजन नहीं मिलेगा और छात्राओं का भोजन रहेगा आवास व्यवस्था पर भोजन वही रहेगा सीधो ब्लू ये मुकाबला अलवर और कोटा का
उनको, अनाउंस कर दो एक। छोड़ के गए थे, विजय तो कर लिया आपने, प्राप्त तो कर लिया, पर लेके नहीं गए थे। व्हाइट परम बारा ब्लू युवराज व्हाइट कॉर्नर परम बारा ब्लू कॉर्नर जारी तैयार है विजेंद्र हनुमानगढ़ व्हाइट और कार्तिक पाली ब्लू। गौरव बारा विजन ये ड्रेस को सही कर ले। इसके बाद तैयार है बाड़मेर मोहन राम और अभिषेक सैनी सिंकर। विजेंद्र हनुमानगढ़ मोहन राम बाड़मेर व्हाइट और अभिषेक सैनी सिंकर ब्लू। इस बाउट का शुभारंभ करने के लिए मैं सिकर के सभी टीम प्रभारी प्रभारी व कोचेज अरविंद जी जांगीर पहलवान साहब चंद्रा देवी शारीरिक शिक्षक महोदय महेंद्र सिंह जी शारीरिक शिक्षक और सतवीर जी सामोद जोड़ प्रशिक्षक आ जाए आप सभी। आप दर्शन करके आए कांवरिया जी अगर जाना है तो इसे पूजा के पास से गाड़ी मिलेगी और यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर के लगभग है और उदयपुर जाना चाहे कराते कराते ओ बलते कराते भाटिया भी इंतजार करिए तुम्हारे बोल बजरंगावली की। अच्छा ये परिचय होने जा रहा है। इसके बाद तैयार है मोहित बीकानेर बाज और अतुल श्री गंगानगर ब्लू। Thank you.
आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। ये मुकाबला बाड़मेर और सीकर के बीच में। ये बाढ़ में और शिखर के बीच में तैयार है मौज बीकानेर भाई और अतुल श्री गंगानगर तैयार है अशोक चोरू मानस उदयपुर अशोक चोरू मानस उदयपुर में तैयार है ब्लू कॉर्नर पर केवल ब्लू की बजारी है और कोई पॉइंट नहीं है। केवल ब्लू की बजारी है। और
अशोक सेफ खेल स्कोर ग्री मत दी अटैक आ तो अटैक मारी सेफ कोई ग्रीम मत दी दूर। अरे टेंट से जो होता काम तो नहीं कर रहा था।
Bilisindo,
खड़ा
व्हाइट बीकानेर व्हाइट और मानस उदयपुर ब्लू। उदयपुर की आई उदयपुर की देख लो अपने भाई को टेक्निक का डिस्प्ले करने के लिए प्रेरित करते हुए बहना अचल श्री गंगानगर ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला आदित्य कोटा व्हाइट और अतुल श्री गंगानगर इसके बाद तैयार है मोहित बीकानेर व्हाइट गौरव बारा ब्लू। ब्रॉन्ज मेडल बाउट आदित्य कोटा हाथ ऊपर करें आदित्य कोटा अतुल श्री गंगानगर तैयार है मोहित Come on, 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 come on
हेलो आदित्य कोटा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला मोहित बीकानेर व्हाइट, गौरव बारा ब्लू। इसके बाद तैयार है चला जाएगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला होगा। राइट मार जाना गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। बहुत बढ़िया बाहर मत खेल अंदर की तरफ मार दे मार दे मार दे चल 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 चीज ना ये तारियाली तारियाली मार दे आगे आप बोलो चीज गोल्ड मेडल आप चीज आप चीज आप चीज हसाई पर में हाँ बहुत बहुत दबा के रख 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 बहुत बढ़िया पूरो धोनी पैर आगे ला पैर ना उठी जा ओए धोनी पैर आगे ला भराओ थोड़ा रुक कर दोनों पैर आगा के ला ट्रेन सही कर दोनों पैर आगा के ला इन्हें रोक थोड़ा बैलेंस वाला यो आर छट रहे हो ये मुकाबला हाँ बैलेंस वाला थोड़ा सारे गिरी कर सेकंड सर कितने सेकंड हुए बेचारी सर सेकंड चल 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 बहुत बढ़िया हाँ जीत रहे हैं हाँ पकड़ पकड़ तेरी ग्रिप पे हाँ बहुत बढ़िया काउंटर मार दे काउंटर मार दे चल चल ओल्ड मिले ओल्ड मिले ओल्ड मिले प्लेट दे हाँ उचक इधर साइड से बहुत बढ़िया खड़ा होते आराम से लड़ जीत रहे आराम से लड़ हाँ बल्लू बल्लू हो जा रही चल 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 बहुत बढ़िया मेरे हम सब बना थोड़ी पेस चल चल मार दे आगे रख थोड़ी तेरा गाड़ी यार बहुत बढ़िया शॉट है गौरव बारन तृतीय स्थान प्राप्त किया। छियासठवीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला मोहन राम बाड़मेर व्हाइट कॉर्नर और अशोक चूरू ब्लू कॉर्नर अजय और पूरा निर्णायक पैनल मेट पर पहुंचे एक ही है। अंतिम मुकाबला आज का आज के इस सेशन का ये अंतिम मुकाबला पूरा ऑफिशियल पैनल मेट पे पहुंचे सर आपको
बावड़े आ जाओ आ जाओ जूडो प्रतियोगिता का आज हमारा बाउट का जो अंतिम मुकाबला मोहन राम बाड़मेर अशोक चूरू के बीच गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए ये बाउट होगी। इस बाउट का शुभारंभ करते हुए हजमी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब पिछली बार भी बाड़मेर और चूरू से ही समापन हुआ था। ये 66वीं जूडो प्रतियोगिता समापन हो चुका है। उसमें 25 किलो में चूरू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के समापन की ओर है और आज हम यहाँ खड़े हैं। फाइनल मुकाबला जो जीता है अशोक चूरू, आइए मिलते हैं अशोक और उसके दल प्रभारियों से, उसके साथी खिलाड़ियों से कि ये स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने के बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं। हाँ अशोक भाई, आपने गोल्ड मेडल जीता है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा। अच्छा, आपको ये गोल्ड मेडल देना दिलाने के लिए इतनी जो तैयारी कराई है उसमें किस किस का अहम योगदान रहा है, किस किस को इसका इस जीत का श्रेय आप देना चाहेंगे?
मामराज जी सर और श्रीता मैम को। जोर से बोल बेटा, जोर से बोल। मामराज जी सर और श्रीता मैम को। अच्छा, मामराज जी सर और श्रीता मैम, कहाँ के रहने वाले हो आप? कौन से गांव के हो? चुरू के? कौन सी तहसील के हो? रोला सर गांव, चुरू जिला। अच्छा, सरिता मैम है अभी आपके साथ में? कौन से? सरिता मैडम, हाँ, इनके दल प्रभारी और इनके कोच जो है सरिता मैडम, हम बात करना चाहेंगे। आप अपने शब्दों में बताएं। बच्चे ने भी खूब प्रैक्टिस की और मैंने भी इसको मतलब अच्छे से तैयारी करवाई, और साथ में मामराज जी सर हैं जो प्रशिक्षक हैं, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई इसको। मामराज जी सर का, सरिता मैडम का। अच्छा, इसके टीम के जो खिलाड़ी है, साथी खिलाड़ी, आप सबकी तरफ से कोई संदेश इसके एसओ के लिए? लगातार तैयारी करे तो निश्चित रूप से राज्य का नाम रोशन कर सकता है बच्चा। यही आशा है कि इंडिया खेलेगा बच्चा। निश्चित रूप से अभी इस उम्र में इसका जो खेल है उसमें निखार आएगा, और जब इनकी इतनी व्यवस्थित टीम, कोच, प्रशिक्षक, प्रभारी इसके साथ है तो निश्चित रूप से ये बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा। हमारी तरफ से इसको एडवांस में शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे और वहाँ भी मेडल प्राप्त करे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डबोक आनंद विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो उदयपुर में है, डबोक के अंदर स्थित है, और यहाँ चल रहे हैं 14 वर्षीय बालक बालिकाओं के जो मैच चल रहे हैं जूडो के। तो यहाँ 66वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पर इसका समापन हो चुका है, फाइनल मैच हो चुके हैं। और यहाँ पर जो चुरू से जो हमारे साथ में तीनों विनर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से यह गोल्ड मेडल प्राप्त किया और इसमें किन किन की भूमिका रही, इन सभी से हम बातचीत करते हैं। और तीनों गोल्ड मेडलिस्ट जो इस उम्र में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, चलिए बात करते हैं। तो आपका नाम? लक्ष्मी। कहाँ से हो? लक्ष्मी, चुरू। चुरू से। तो आपने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, आपको कैसा अनुभव मिला यहाँ पे, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आप जीतने के बाद में क्या अनुभव कर रहे हैं? अच्छा अच्छा लगा। तो इस जीत का जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहेंगे? मैडम को। मैडम को। मैडम का नाम? रुकमणी जी। जी, बहुत अच्छा, शानदार मैडम का भी योगदान रहा और उस माध्यम से इस बच्चे ने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करते हैं आपसे, आपका नाम? ज्ञानवती। ज्ञानवती, जो आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? हम सबको देना चाहेंगे जो हमारे साथ हैं, सबको। जी बिल्कुल, जो आपके साथ में रहे हैं, आपके जो कोच, जो आपकी टीम है, आपके माता पिता और आप सभी जो अपने गुरुजन हैं, उन सभी को आप इसका श्रेय देना चाहेंगे, बहुत अच्छा। तो आपका नाम? अशोक। अशोक, आपने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? श्रीता मैम, मामराज जी सर को। जी जी, मैडम को और सर को आप जो गोल्ड मेडल का जो आप श्रेय देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार आपका मुकाबला रहा और आपने बहुत ही अच्छी टेक्निक का यूज़ किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, आप? हाँ, मैं मामराज अशोक का और इनके जो लक्ष्मी के प्रशिक्षक हैं रुक्मणी, उनका भी गुरु हूँ और इनके द्वारा मैं अच्छी तरह से इन बच्चों को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि राजस्थान का नाम रोशन कर सके इंडिया में, ऐसी मेरी इच्छा है। इनकी जो गुरु है प्रशिक्षक रुक्मणी, वो 5 बार नेशनल है, वो मेरी शिष्या है। बहुत ही शानदार मुकाबले रहे यहाँ के, जो उदयपुर में जो मुकाबले बहुत शानदार रहे, तो आपको यहाँ डबोक आनंद विद्या भारती में जो मुकाबले रहे वो, उसमें आपका क्या कहना रहेगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है इनके बारे में? सर, इनकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर रही, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। बच्चियों को ले जाने के लिए गीतांजलि हॉस्टल तक बसों की व्यवस्था और अच्छे खाने और पीने की व्यवस्था, बच्चों को गौड़ छात्रावास में रहने में और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के लोग हैं और यहाँ का पूरा स्टाफ है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था करने में रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ उदयपुर में आप आए, डबोक में आप आए और यहाँ की व्यवस्था और हर तरह से आपका यहाँ अच्छा संदेश आप यहाँ से लेके जाएं और आप राजस्थान के जिस भी कोने में जाएं वहाँ आप इस मेवाड़ की एक अच्छी छाप वहाँ बताएं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, हम मिलने जा रहे हैं 66वीं राज्य स्तरीय जूडो 14 वर्षीय छात्र छात्रा प्रतियोगिता के अंतर्गत जो निर्णायक कमेटी में है, जो ऑफिशियल टीम में जुड़े हुए सुशील जी सेन सर, हम इनसे मिलना चाहेंगे और इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि इस जो टूर्नामेंट जो 66वीं प्रतियोगिता यहाँ आनंद विद्या भारती डबोक में जो आयोजित हुई, इसमें इनका क्या अनुभव रहा, किस प्रकार की यह प्रतियोगिता हुई, कैसे हुई, इसमें यहाँ की जो व्यवस्था है इसके बारे में बताएं, और यहाँ किस प्रकार के जो मैच हुए, मैच में जो नियम जो आजकल जो चल रहे हैं जूडो के, उनके बारे में आप जानकारी बताएं। 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालय जूडो प्रतियोगिता आयोजन स्थानीय आनंद विद्या भारती विद्यालय डबोक में आयोजित किया गई। ये प्रतियोगिता 29 तारीख से कंटिन्यू चल रही है, 29, 30 और आज 1-2 तारीख हुई है। इस बीच 14 वेट कैटेगरी में विभिन्न जिलों से कुल 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें लगभग 200 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और लगभग 56 मेडल दाव पर थे, जिसमें 14 गोल्ड, 14 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल। जूडो प्रतियोगिता में 2 थर्ड होते हैं, 1 फर्स्ट, 1 सेकेंड और 2 थर्ड। और इस बार इस मेज़बान का भी अभी अच्छा रिजल्ट रहा है, हमने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ उप विजेता रहे हैं। उदयपुर टीम हमेशा ही मेडल जीतती रही है और इस प्रतियोगिता में जो व्यवस्था दी गई है स्थानीय विद्यालय से वो काबिले तारीफ है। हमेशा हम लगभग 20 साल हो गए हमें इस टूर्नामेंट में जाते हुए और हमेशा ही निर्विवाद रूप से टूर्नामेंट संपन्न होता है। इस बार बिल्कुल सबसे बड़ी मातेश्वरी की आशीर्वाद यह था कि इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई। ये ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद था कि माना जूडो खेल ऐसा है, कॉम्बैक गेम है, इसमें कहीं चोट लग ही जाती है। इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होना एक हमारे लिए सच्चे मन से किया गया कार्य है। ये इस प्रतियोगिता में रहने की, खाने की सभी प्रकार इतनी सुव्यवस्थित था, बिल्कुल मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था। और हमारी ये दिव्या पवार, जिसने +44 किलो बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, इसने गत वर्ष में भी इसी वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। ये बच्ची विफो लास्ट ईयर सिल्वर मेडल था, इससे पहले इसने वेस्ट जोन में नेशनल में 5th पोजीशन और वेस्ट जोन में सिल्वर मेडल था और वेस्ट जोन नेशनल वुमेंस लीग में 5th पोजीशन था। इसका हाल ही में भोपाल में जो एकेडमी चल रही है NCO, जो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए होता है, उसमें इसका चयन किया गया है। और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में ये बच्ची देश का नाम जरूर रोशन करेगी। और आप मीडिया का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जूडो। मेरा नाम कुवीरा सैन है, मैं इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीती हूँ। मैं महाराणा मेवार विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ पे शपथ ग्रहण करी है और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सुबह शाम खाने का भी था और सुबह सुबह नाश्ते का भी था। यहाँ की प्रतियोगिता बहुत शानदार हुई। मेरा नाम सचिन कारोल, मैं भिलवाड़ा से हूँ और मैं 35 किलो बार बार में भी खेला हूँ। यहाँ 66वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता बालक बालिका की आनंद विद्या भारती डबोक उदयपुर में चल रही है, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 35 kg में। और मैं 3 सालों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा हूँ स्टेट पे, और मैं हमारे राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ है। और हमारे अखाड़े में बहुत सा परिश्रम कराते हैं और 6 घंटे हम अखाड़े जाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम 3-3 घंटे मेहनत करते हैं। हमारे कोच लोग भी हमको बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित राजोरा है, मैं भिलवाड़ा का हूँ और मैं श्री राम व्यायामशाला में प्रैक्टिस करता हूँ। और यहाँ पे मेरे गोल्ड जीत कर बहुत अच्छी खुशी हो रही है और ये हमारे कोच साहब है, इनसे भी कुछ 2 शब्द सुने। श्री राम व्यायामशाला जूडो सेंटर पुर में हमारी कोचिंग चलती है। हम भाई जगदीश और हम मिलकर के प्रयास करते हैं। ये जो टीम 14 वर्ष में आई है, हमारे जूडो सेंटर के सभी बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था जिले पे और यहाँ पे भी चैंपियनशिप हासिल की है, इसलिए सभी बच्चों को भी बधाई और साथ में ग्रामवासियों को भी बधाई और आयोजक महोदय को भी बधाई, बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया उन्होंने। यहाँ से भिलवाड़ा बॉयज़ में चैंपियनशिप लेके जा रही है, लेकिन विडम्बना यह है कि लगातार चार सालों से नेशनल स्तर के टूर्नामेंट नहीं होने से बच्चों में निराशा छाई हुई रहती है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कि हम बच्चे आगे बढ़े तो इनके लिए राष्ट्रीय स्तर की यानी जो प्रतियोगिता है वो नहीं हो पा रही है, वो होए जिससे बच्चों में मनोबल बढ़े और बच्चे खिलाड़ी आगे बढ़े। जय भारत, जय राजस्थान। जो बच्चा निकल गया है
जिसका समय निकल गया उसके जीवन में वो समय वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए बच्चों का भविष्य नेशनल से सुधरेगा और रोजगार के साधन मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान। सचिन इधर बैठा हूँ तेरे पीछे। बस बस यही करेगा, कुछ नहीं करेगा। ले ले बहुत बड़े, आराम से ले, बहुत चलो। मोमेंट करा के जाएगा सचिन, मोमेंट करा के जाएगा। चल चल ले ले ओल्ड मैन, खींच ग्रिप खींच, छोड़ दे आराम से। सचिन मोमेंट करा के जाएगा आराम से, है ना। मोमेंट कराए से चला ग्रिप चेंज के साथ। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुकाबला। 35 किलो का अंदर बहुत वर्ग में ये फाइनल मुकाबला। इस बाउट के पश्चात 36 किलोग्राम छात्रावर्ग फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल बाउट ज्योति भीलवाड़ा अंबिका चुरू के बाद लावण्य।